पीजी कॉलेज के सामने चाट के ठेले पर टिक्की खा रहे ग्राहक की टिक्की में निकले मांस के टुकड़े। मौके पर पहुंची खाद्य विभाग की टीम ने लिए सैंपल। गुना जिला मुख्यालय पर गुना शहर के कोतवाली थाना क्षेत्र में पीजी कॉलेज के सामने एक चाट के ठेले पर टिकिया खाने आए ग्राहक के टिकिया में मांस के टुकड़े मिले हैं। इस पर से ग्राहक ने कड़ी आपत्ति जताई एवं खाद्य विभाग की टीम को सूचना दी गई। टिकिया खाने आए ग्राहक महेश जारोलिया निवासी गुना का कहना है कि टिकिया खाने आए थे, उसमें मांस के टुकड़े निकले हैं। महेश जारोलिया का आरोप है कि चाट के ठेले वालों द्वारा ग्राहक की बढ़ाने एवं स्वाद बढ़ाने के लिए मांस के टुकड़े या ऐसा कोई पदार्थ केमिकल मिलाया जा रहा है, जिससे ज्यादा से ज्यादा ग्राहक टिकिया खाने आया करें। इस मामले में टिकिया ठेला के संचालक मोहर सिंह का कहना है कि पता नहीं मांस के टुकड़े कहां से आ गए। वह पिछले 25 सालों से पीजी कॉलेज के सामने टिकिया का ठेला लगा रहा है। मौके पर पहुंची खाद्य विभाग की टीम द्वारा टिकिया के ठेले पर मौजूद सभी खाद्य सामग्री एवं पदार्थों के सैंपल जांच हेतु लिए गए। खाद्य सुरक्षा अधिकारी गुना नवीन जैन ने बताया कि सभी के सैंपल लेकर पैक कर लिए गए हैं। भोपाल राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला में सैंपलों की जांच कराई जाएगी। जांच रिपोर्ट में जो भी सामने आएगा ठेला संचालक पर कार्यवाही की जाएगी। ये क्या मामला हुआ भैया? मैं टिक्की पीने आया था, हम 4-5 लोग टिक्की पी रहे थे। इनने टिक्की पिलाई तो टिक्की में ऐसे मांस के टुकड़े और मांस के कुछ जबड़े टाइप के निकले, ये जैसे ये दिख रहा है, ये बहुत सारे इसके में निकल रहे थे। मुझे तो ऐसा लगता है ये टेस्ट के चक्कर में ये कुछ ऐसा मांस मिला रहे हैं जिससे ये टेस्ट बढ़ जाए और लोग इनके पास ज्यादा ज्यादा पीने आए। कुछ ऐसा का ऐसा लग रहा है, नहीं तो बहुत सारे टिक्की और ठेला वाले हैं, उनका क्यों नहीं चल रहा है, इनका क्यों चल रहा है? ये कुछ ना कुछ गलत हरकतें कर रहे हैं, इसका सैंपलिंग होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए और ये कैसे हुआ है ये पूरा का पूरा एक्सप्रेस होना चाहिए। आपके द्वारा कोई इसकी कंप्लेंट की गई है करने का? अभी मैंने फूड विभाग को कॉल कर दिया है, वो बोला है कुछ थोड़ा सा टाइम बाद वो आएंगे और उनका सैंपलिंग लेंगे। मोहर सिंह, ये जैसे कि देखने में आ रहा है कि आपके कस्टमर शिकायत कर रहे हैं कि इसमें हड्डी वड्डी निकल रही है, क्या है मामला? क्या बात है भाई, मैं कैसे कह सकता हूँ, मैं गंदी चीज कभी हो नहीं सकता, 25 साल हो गए। ये कोई जो हड्डियाँ आई हैं उसी जेब में रखा है, मांस के टुकड़े थे, झोले में निकला है। तुम्हारे सामने निकाली है ना? निकाली थी मैंने मोहर सिंह की। फिर कैसे आई है? जी कैसे कह सकता हूँ, कैसे? आप एक बार बताओ, लोगों का दम रेस्ट कर रहे हैं कि मैं खाद पीता नहीं भाई साहब, मैं खुद ब्रह्मचारी हूँ। नहीं तो यार तमाम सारे तरीके लोग आते हैं और विश्वास के आप आके चाट खाते हैं, ये तरीका क्या है? आप जो वो रखा है पूरे देख लो तुम, आप झोल बनाने से पहले चेक करते हो क्या? बिल्कुल पीता हूँ। तो ये सब हड्डियाँ कैसे आई? अब कैसे कह सकता हूँ भाई साहब, में छोले में निकला है, छोले ही रात में गला से। कितने समय से आप टिक्कियाँ पिला रहे हैं? 25 साल हो गए मेरे को यहाँ पर। तो आज हड्डियाँ कैसे आ गई? इनका टेस्ट का कारण भी वही है। क्या नाम है आपका? मोहर सिंह। सन 1999 से ला रहे हो? सामग्री अंदर जा रहा है, तत्काल मौके पर आकर के हमारी टीम ने यहाँ पर जो खाद्य सामग्री जा रही है और झूले का कटनी है, किसी का झूला है, इन सभी की हमने जाँच हेतु खाद्य सामग्री के सैंपल ले लिए हैं और आगे की जो जाँच रिपोर्ट आने पर कार्रवाई की जाएगी। अगर ऐसा कुछ इतनी अनियमितता पाई जाती है तो उसके प्रति सख्त सख्त होते हैं। इसकी रिपोर्ट कितने दिन में आएगी? इसकी रिपोर्ट लगभग 15 दिन में आती है, 15 से एक महीने का टाइम भी लग जाता है सारे वाले को। आपके द्वारा एक लिक्विड मिलाया गया फॉर्मेलिन करके, तो उसका उपयोग किस चीज में किया जाता है? इसमें जो खाद्य सामग्री 24 घंटे के अंदर खराब होने की संभावना रहती है उसमें फॉर्मेलिन प्रिजर्वेटिव मिला करके उसको प्रिजर्व रखा जाता है, जिससे वो जांच के लिए उपयुक्त बना है। सर जैसे कि आपने सैंपलिंग लिया, ये जितने जितने दुकान इसकी बंद रहेगी या क्या रहेगा? इसमें हम इसको नोटिस देंगे और जो भी कार्रवाई हम लोग करेंगे उसके लिए हम इसको सख्त निगरानी में रख करके, और इसके द्वारा अगर कोई खाद्य सामग्री आगे भेजी जाती है तो उसकी हम निगरानी रखेंगे, और अगर ये कुछ गलत पाया जाता है तो उसका तत्काल हम एक्शन। निगरानी किस प्रकार से रखी जाएगी? इसमें बराबर हम ये देखेंगे कि अगर इस तरीके की खाद्य सामग्री अगर बेच रहा है तो अगर अनियमितता पाई जाती है, अगर दोबारा से ऐसी कोई शिकायत मिलती है तो इसके लिए हम इसका नीलामी सील कर देंगे और खाद्य सामग्री बेचने का सुनवाई आपको सुनिए। मैं नवीन जैन, खाद्य सुरक्षा अधिकारी। गुना पहुंचे प्रदेश सरकार के ऊर्जा मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर नानाखेड़ी में एक निजी स्थान पर की प्रेस वार्ता। गुना जिला मुख्यालय पर गुना शहर में 12 जुलाई शुक्रवार को मध्य प्रदेश शासन के ऊर्जा मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर का आगमन हुआ। गुना पहुंचे मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर ने नानाखेड़ी में एक निजी स्थान पर
पत्रकार वार्ता की। उन्होंने कहा मध्य प्रदेश सहित कई राज्यों में भाजपा का वोट बैंक बढ़ा है। गुना से सिंधिया जी की ऐतिहासिक जीत का भी उन्होंने जिक्र किया। मध्य प्रदेश सरकार का एजेंडा बताते हुए मंत्री तोमर ने कहा कि रोजगार और स्वास्थ्य पर प्रदेश में फोकस रहेगा। वहीं महिला सशक्तिकरण और अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। कांग्रेस पर भी कई आरोप लगाते हुए प्रेस वार्ता में मुद्दे उठाए। तो गुना में कई जगह आयुष्मान कार्ड चल ही नहीं रहे, कई ऐसी मतलब देखिए मेरा कहना है आयुष्मान कार्ड सभी जगह चल रहे हैं। कभी कभी क्या होता है कि आयुष्मान कार्ड का उनमें अपना आईडी वगैरह सही से न दर्ज किया हो, सरकार द्वारा भी भुगतान नहीं किया गया ऐसा हॉस्पिटल हॉस्पिटल को भुगतान है। वैसे भुगतान हमारा अभी वर्तमान में अभी समीक्षा हुई, मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिए हैं किसी भी हॉस्पिटल के भुगतान नहीं रोके जा रहे हैं। वही भुगतान रोके जा रहे हैं जो त्रुटिपूर्ण हैं, जिनमें कोई त्रुटि है उन्हीं भुगतानों को रोकते हैं लागू कर रहे हैं। क्योंकि से हमारी कैबिनेट में वो आदेश की मंजूरी मिल रही है और उसमें हम मध्य प्रदेश के हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी और प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय डॉक्टर मोहन यादव उनके नेतृत्व में जल्दी से हम काम शुरू करने जा रहे हैं। देखिए मैं आपने मेरे संज्ञान में आए उसको दिखवाऊंगा। अब कभी कभी कठिनाइयाँ क्या होती है कि जिन जनरल योजना को स्वीकृत किया जाए, कई एजेंसियों ने दो दो तीन तीन चार जगह भी ठेके ले रखे, उन्होंने काम विलम्ब हो रहा है। ये आपकी बात से मैं सहमत हूँ। इसको हमारी अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसको निर्देश दिए हैं कि इनमें काम में गति आए, तेजी से लोगों को पानी मिले। वायुसेना के अधिकारियों ने अग्निवीर भर्ती की तमाम जानकारियां दी, युवाओं की शंका और भ्रम को दूर किया। उत्कृष्ट विद्यालय में हुआ कार्यक्रम, 200 से अधिक छात्र छात्राएं हुए शामिल। भारतीय वायुसेना में अग्निवीर भर्ती के आवेदन की प्रक्रिया 8 जुलाई से शुरू हो गई है। इस बीच वायुसेना में अग्निवीर भर्ती और अग्निवीर योजना को लेकर युवाओं के मन में उठने वाले तमाम सवालों और भ्रम को दूर करने कार्यक्रम आयोजित किया गया। आज उत्कृष्ट विद्यालय में आयोजित कार्यक्रम में वायुसेना के अधिकारियों ने युवाओं और छात्र छात्राओं को अग्निवीर भर्ती की तमाम जानकारियां देते हुए छात्र छात्राओं और युवाओं के मन में उठने वाले तमाम सवालों के जवाब देते हुए योजना को लेकर उनके भ्रम और शंका को दूर किया। साथ ही वायुसेना में भर्ती और देश सेवा के लिए छात्र छात्राओं को प्रेरित किया गया। कार्यक्रम में उत्कृष्ट विद्यालय के छात्र छात्राओं के साथ तमाम विद्यालयों के छात्र छात्राओं को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जोड़ा गया। वहीं कलेक्टर डॉक्टर सत्येंद्र सिंह के निर्देश पर उत्कृष्ट विद्यालय में आयोजित कार्यक्रम में वायुसेना के कर्नल संतोष कुमार और राजीव खंडाना द्वारा भारतीय वायुसेना में अग्निवीर भर्ती को लेकर जानकारी दी गई। इस मौके पर उत्कृष्ट विद्यालय के प्राचार्य एच एन जाटव, जिला रोजगार अधिकारी बी एस मीना, हर्षित माथुर आदि मौजूद रहे। कार्यक्रम का संचालन एनसीसी अधिकारी लालकृष्ण शर्मा द्वारा किया गया। रिजवान अहमद मंसूरी का भी विशेष सहयोग रहा। जिला रोजगार अधिकारी बी एस मीना ने बताया कि भारतीय वायुसेना अग्निवीर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी हो गया। इसके अनुसार अग्निवीर वायुसेना भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया 8 जुलाई से शुरू हो गई है जो 28 जुलाई 2024 को समाप्त होगी। अभ्यर्थी भारतीय वायुसेना अग्निवीर की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अभ्यर्थी का जन्म 3 जुलाई 2004 से 3 जनवरी 2008 के बीच होना चाहिए। उन्होंने बताया कि इसके लिए कैंडिडेट्स को किसी केंद्रीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा मान्यता प्राप्त वोट से गणित, भौतिकी और अंग्रेजी के साथ इंटरमीडिएट यानी कि 10वीं व 12वीं या उसके बराबर परीक्षा में कुल मिलाकर न्यूनतम 50% अंक और अंग्रेजी से 50% अंक होना जरूरी है। किसी भी स्ट्रीम सब्जेक्ट में इंटरमीडिएट 10वीं व 12वीं या उसके बराबर परीक्षा में कुल मिलाकर न्यूनतम 50% अंक और अंग्रेजी में 50% अंक होना जरूरी है। उन्होंने बताया कि ऑनलाइन परीक्षा की तिथि 18 अक्टूबर 2024 से शुरू हो जाएगी एवं पंजीकरण शुल्क और परीक्षा शुल्क 550 रुपये प्लस GST है। विस्तृत जानकारी वेबसाइट से प्राप्त कर सकते हैं। जी बताएं, आज हम एक्सलेंस स्कूल गुना में आए हैं। हम यहाँ पर भारतीय वायुसेना में अग्निवीर वायु भारतीय वायुसेना में जिसका प्रोसीजर और उसके लिए इंटेक 2 of 25 का प्रोसीजर एंड सिलेक्शन क्राइटेरिया बताने के लिए आए हुए हैं। यहाँ पे बहुत अच्छा एक हमारा प्रोग्राम था जिसमें हमारे पास में 200 से ज़्यादा बच्चे थे जिनको हमने ब्रीफ किया है और यहाँ पे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू काफ़ी स्कूल जुड़े हुए थे जिनको इस सूचना और इसके बारे में जानकारी हमने आज दी है और जो भी बच्चों के डाउट सेशन था वो हमने क्लियर किया है। इसके प्रति जो एक भ्रम फैला हुआ है वो बच्चों के माइंड से दूर किया है और एक कैरियर काउंसलिंग के तौर पे भी आप देखें तो ये बच्चों के लिए अच्छा है और ये भारतीय वायुसेना में सिलेक्शन का एकमात्र जरिया है जिससे आप भारतीय वायुसेना में अपना सहयोग और देश की सेवा कर सकते हैं।
जी आपका नाम? मेरा नाम सार्जेंट राजीव खटाना और मेरा साथी सार्जेंट संतोष है, जो भी हम इस प्रोग्राम में आज भाग लेते हैं। नगर पालिका के अध्यक्ष के जन्मदिन पर रक्तदान शिविर और सुंदरकांड पाठ का हुआ आयोजन, अपने पुत्रों के साथ गुप्ता भी करेंगी रक्तदान। गुना नगर पालिका अध्यक्ष सविता अरविंद गुप्ता का जन्मदिन आज धूमधाम से मनाया जा रहा है। जन्मदिन के अवसर पर आज प्रातः से उनके निवास पर बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। भाजपा नेता एवं अध्यक्ष प्रतिनिधि अरविंद गुप्ता ने बताया कि अध्यक्ष गुप्ता का जन्मदिन भक्तिमय वातावरण में मनाया जा रहा है। इस अवसर पर सुंदरकांड पाठ का आयोजन किया गया है। इसके पश्चात भोजन प्रसादी वितरित की जाएगी। वही अरविंद गुप्ता की संस्था SAG फाउंडेशन द्वारा नगर पालिका अध्यक्ष के जन्मदिन के मौके पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ नगर पालिका अध्यक्ष सविता गुप्ता, भाजपा जिलाध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह सिकरवार और भाजपा नेता अरविंद गुप्ता की मौजूदगी में किया गया। शिविर में बड़ी संख्या में युवा उत्साह पूर्वक रक्तदान कर रहे हैं। नगर पालिका अध्यक्ष सविता अरविंद गुप्ता के पुत्र नमन और सार्थक ने भी इस मौके पर रक्तदान किया। वही नगर पालिका अध्यक्ष सविता गुप्ता भी रक्तदान करेंगी। समाजशाले के जाने तक 16 यूनिट ब्लड डोनेट हो चुका था। उन्होंने बताया कि हमारे द्वारा समाज हित में एवं गरीबों के लिए 50 यूनिट रक्तदान एकत्रित करने का लक्ष्य रखा गया है। उधर गुप्ता के निवास पर आज सुबह से बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। सुंदरकांड पाठ के बाद भोजन प्रसाद शुरू की गई। इस मौके पर नगर पालिका के पार्षद, भाजपा नेता, पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं के साथ बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। कलेक्टर डॉक्टर सत्येंद्र सिंह द्वारा आज अपराह्न में स्थानीय जिला चिकित्सालय में पहुंचकर निरीक्षण किया। हालांकि इस दौरान उन्होंने अस्पताल में अंदर जाकर वार्डों में भ्रमण की जगह परिसर का अवलोकन करते हुए अतिरिक्त व्यवस्थाओं की संभावनाएं तलाशी। इस संदर्भ में मिली जानकारी के अनुसार शहर भ्रमण पर निकले कलेक्टर डॉक्टर सत्येंद्र सिंह आज अपराह्न में जिला चिकित्सालय पहुंचे, जहां उन्होंने प्रवेश द्वार से लेकर चारों ओर से घूमते हुए परिसर में निगाहें डाली। इस दौरान उन्होंने अस्पताल के पीछे और बने पुराने क्वार्टरों को लेकर पूछताछ की और अनुपयोगी मानते हुए इन्हें ढहाने के निर्देश दिए। इस दौरान कलेक्टर ने उक्त स्थल पर पार्किंग बनाए जाने के निर्देश दिए हैं। इसी तरह उन्होंने अन्य आवश्यक सुधार के निर्देश भी दिए हैं। इस दौरान अधीक्षक डॉक्टर RS भाटी, तहसीलदार GS भेरवा, CMO तेज सिंह यादव सहित विभिन्न अधिकारी डॉक्टर उपस्थित रहे। उल्लेखनीय है कि अस्पताल में लगातार चले आ रहे निर्माणों के कारण जगह की कमी होने लगी। वही रोगियों के लिए आवश्यक शांत वातावरण भी अब दूर की बात हो गई है। जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा वमोरी विकास खंड के स्कूलों का निरीक्षण। जिला शिक्षा अधिकारी चंद्रशेखर सिसोदिया द्वारा अपने निरीक्षण दल, जिसमें आसिफ खान TTO वमोरी, इंजीनियर पवन जैन BRCC कोक सिंह पोर्सिया के साथ में आज प्राथमिक विद्यालय बनियानी, प्राथमिक विद्यालय कालीगोड़, प्राथमिक विद्यालय कुड़का जाकर औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण उपरांत बहुत सारी कमियां पाई गई, जिनमें तत्काल सुधार करने के निर्देश दिए। अगर जल्द से जल्द व्यवस्थाएं दुरुस्त नहीं की गई तो की जाएंगी आवश्यक कार्रवाई। इसी क्रम में निरीक्षण दल के द्वारा शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय CM राय फतेहगढ़ में निरीक्षण किया गया, जिसमें 754 छात्र छात्राओं में से 484 छात्र उपस्थित पाए गए। चंद्रशेखर सिसोदिया निरीक्षण दल के द्वारा प्रत्येक कक्षाओं में जाकर निरीक्षण किया गया और जिला शिक्षा अधिकारी सिसोदिया के द्वारा छात्रों की उपस्थिति को लेकर तारीफ की गई और सभी कक्षाओं में सभी क्लासों में सभी कक्षाएं व्यवस्थित चल रही थी। जहां कुछ कमी देखी गई वह सुधार करने की बात कही गई। इसी क्रम में कैंपस शाला वन में भी निरीक्षण किया गया, जिसमें कक्षा 6 से 8 तक की कक्षाएं विधिवत संचालित हो रही थी। सभी छात्र छात्राओं से बात की गई और गृह कार्य को भी देखा गया। वहीं स्टाफ से भी बात की गई और जहां भी कमी दिखी वे आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। इसी क्रम में विद्यालय कैंपस में संचालित नेताजी सुभाष चंद्र बोस बालिका छात्रावास का भी औचक निरीक्षण किया गया, जिसमें 100 छात्र छात्राएं रहती हैं, जिनमें से आज 79 के बीच में संख्या उपस्थिति पाई गई। हॉस्टल वार्डन आशा कश्यप हॉस्टल में नहीं पाई गई। छात्रों ने व्यक्तिगत अपनी समस्याओं को जिला शिक्षा अधिकारी चंद्रशेखर सिसोदिया से व्यक्तिगत बात कर छात्रों ने बताई अपनी समस्या। में चंद्रशेखर सिसोदिया के द्वारा प्रत्येक छात्रों की बात को ध्यान से सुना गया। निरीक्षण उपरांत सिसोदिया ने सहायक हॉस्टल वार्डन और संस्था के प्रधान अध्यापक को प्रचार्य को दिया आवश्यक निर्देश। संस्था के प्रचार्य भागवत प्रसाद ओझा के द्वारा प्रचार्य भगवत प्रसाद ओझा, पर्वत सिंह राठौर प्रधान अध्यापक कैंपस वन फतेहगढ़ के द्वारा सभी निरीक्षण दल का आभार व्यक्त किया। SDM ने गौशाला की चरनोई भूमि से हटवाया अतिक्रमण। गुना आरोन तहसील के माता मूटराद गौशाला का चरनोई का रकबा 5 हेक्टेयर खसरा नंबर 3111 का अतिक्रमण SDM विकास कुमार आनंद की मौजूदगी में हटाया गया। SDM आरोन ने बताया कि अतिक्रामक भागवत सिंह पुत्र मिश्रीलाल, गोरेलाल पुत्र लालू, चुट्टीलाल प्रभु, प्रभुलाल कुशवाहा, रमेश गिर पुत्र जमुना गिर द्वारा गौशाला की भूमि पर अवैध रूप से अतिक्रमण किया गया था, जिसको हटा दिया गया है। अतिक्रमण विरोधी कार्रवाई के दौरान आरोन SDM विकास कुमार आनंद, तहसीलदार रुचि अग्रवाल, नायब तहसीलदार अनुराग जैन, CEO जनपद पंचायत मोनिका झारिया, TI थाना आरोन सहित पटवारी एवं कोटवार आदि उपस्थित रहे।
NFL विजयपुर के पालिका बाजार में कमर लाल दोनों भाई वसंत लाल गणपत लाल के छोटे भाई पप्पू लाल अहिरवार का निधन होने पर समस्त पालिका बाजार अहिरवार समाज की एक मीटिंग हुई, जिसमें 13वीं की जगह श्रद्धांजलि सभा का कार्यक्रम आयोजित किए जाने की सहमति बनी। सर्वप्रथम ज्ञान ज्योति धमनार द्वारा बौद्ध रीति रिवाज से त्रिशरण पंचशील किया तथा जिसमें मुख्य रूप से NFL विजयपुर के अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी कल्याण संघ के अध्यक्ष मुन्ना लाल अहिरवार उपस्थित रहे। सर्वप्रथम संघ के अध्यक्ष मुन्ना लाल अहिरवार पप्पू अहिरवार के पिताजी कमललाल भाई वसंत लाल एवं उनके परिवार के लोगों द्वारा तथागत गौतम बुद्ध डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर एवं स्वर्गीय पप्पू अहिरवार के छायाचित्र पर पुष्प अर्पित किए। तत्पश्चात आसपास के ग्रामीणों ने पुष्प अर्पित किए। वसंत लाल अहिरवार ने पप्पू के निधन पर समाज को अंधविश्वास से निकालकर शिक्षा पर जोर दिया। वहीं नैनक राम अहिरवार ने भी समाज हित में विचार व्यक्त किए। मुन्ना लाल अहिरवार ने पप्पू अहिरवार के निधन पर श्रद्धांजलि सुमन करते हुए इनके परिवार द्वारा जो निर्णय लिया गया, जिसकी सभी ने प्रशंसा की, आज देश के अधिकतर जिम्मेदार लोगों ने अंधविश्वास और कुरूतियों को त्याग कर शिक्षा पर जोर दे रहे हैं। पूर्व में तथागत गौतम बुद्ध, गुरु रविदास, संत कबीरदास और भी महापुरुषों ने अंधकार से निकालकर मानवतावादी विचारधारा पर चलने पर जोर दिया है तथा समाज में व्याप्त किसी भी प्रकार के नशे से दूर रहने एवं समाज को मुख्यधारा से आने की अपील की है। वहीं चंदेरी में आज से 28 वर्ष पूर्व मुन्ना लाल अहिरवार के पिताजी और 12 वर्ष पूर्व माताजी के निधन पर क्षेत्र में पहली बार मृत्यु भोज की जगह श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया था, जिसमें मध्य प्रदेश एवं अन्य प्रदेशों के गणमान्य नागरिक उपस्थित हुए थे। आज पालिका बाजार में पहली बार इस तरह का कार्यक्रम हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाएं एवं ग्रामवासियों ने भाग लिया, जिसमें कमल लाल ग्राम तेलीगांव, पंचालाल ग्राम आमलया, वहीं नवल सिंह राघोगढ़, राम सिंह ग्राम जटेरी, दिनेश ग्राम लालपुरा, चंपालाल गुना, हरिसांड कॉलोनी, नैनक राम ग्राम लालपुरा, वहीं उधम सिंह पालिका बाजार सहित अन्य लोग मौजूद रहे। अंत में वसंत लाल द्वारा सभी का आभार व्यक्त किया गया। कि मेरे मरने के बाद मेरी तेर भी मत करना, वो कबीर पंथी थी, कबीर को मानती थी और हम लोग भी कबीर, संत रविदास, भगवान बुद्ध इनके अनुयायी हैं और हमारे महापुरुषों ने डॉक्टर अम्बेडकर ने जैसे उन्होंने बहुत संघर्ष किया और इस संघर्ष के कारण आज हम लोग हैं कि आज हमारे पास घोड़ा गाड़ी है, कई कर्मचारी हैं, कोई बिजनेसमैन है, अच्छी जिंदगी जी रहे हैं या किसान भी हैं तो वो भी अच्छी जिंदगी जी रहे हैं। कोई दबाव तो नहीं किसी का। पहले क्या स्थिति थी 1985 पहले, अब हम सोचें जो हमारे बुजुर्ग लोग हैं, जैसे दादा उनकी जिन उनसे पूछिए क्या क्या नहीं झेला इन्होंने, कितनी बदनामी, कुत्ता बिल्लियों से बदतर जिंदगी जी इन्होंने, तो वो जिंदगी ना हो इसलिए हम अंधविश्वास में प्रवृत्तियों को छोड़ देना चाहिए। इसमें कोई समझदारी नहीं है। हमने भी ऐसा किया था, 96 में हमारे फादर खत्म हुए थे, अभी हमारे 2012 में माँ खत्म हुई, जो मेरे भाई हैं बड़े भाई मेरे, हमने 13वीं नहीं की थी। चाहे तो हम दोनों भाई NFL में हैं, कितने खर्च कर देते, क्या अंतर पड़ता, लेकिन हमने नहीं किया था क्योंकि महापुरुषों ने हमें ये नहीं सिखाया, महापुरुषों ने हमें ये नहीं सिखाया कि अपने पैसों के फिजूल खर्च करना है, उस पैसे से बच्चों को पढ़ाइए, विकास होगा आपका। कितने NFL में कितने लोग हैं, समाज के कितने लोग हैं जो कितने अच्छे अच्छे पदों पर हैं और अच्छी जिंदगी जी रहे हैं और ये